अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुदि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा आत्मा को परम शुद्ध करके, यह सिद्धि धाम में धर देगा। महानुभाव, आप ज्ञानामृत ग्रंथ के विषय में जान रहे हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी के द्वारा लिखित ये सुंदर ग्रंथ है और आप उन्हीं के अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत इन प्रवचनों को सुन करके ज्ञान के अमृत को अपने हृदय में भरने के समान प्रयत्न कर रहे हैं। आपने पिछले प्रवचनों के माध्यम से इस ज्ञानामृत ग्रंथ के भाग एक में नमोकार महामंत्र, गृहस्थ धर्म सम्यक्त सार, चारित प्राभृत सार, बोध प्राभृत सार और उपासक धर्म एवं दान के विषय में जाना है। इसमें कितनी नई नई बातें आपको ज्ञात हुई होंगी, 11 महत्वपूर्ण स्थान जाने और उपासक धर्म के बारे में, उपासक माने श्रावक धर्म के बारे में जाना है कि कैसे कैसे हमें अपनी चर्या का पालन करना चाहिए। और इसके साथ साथ पूज्य माता जी ने समय सार का सार भी बताया है। समय सार यद्यपि मुनियों का ग्रंथ है, यानी महामुनि ही इसे पढ़ करके और इसे आत्मसात करते हैं, लेकिन आज मैं समझती हूँ जैन समाज में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो समय सार का नाम ना जानता हो। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की एक कृति बहुत प्रसिद्ध हुई, उसके बारे में भी आपको ठीक से जान लेना है। कुंद कुंद आचार्य ने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे, लेकिन आज 2000 साल बीत गए उन पाहुड़ ग्रंथों को लिख करके, जिनमें से केवल आज 11-12 ग्रंथ ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी के उपलब्ध होते हैं। मूलाचार ग्रंथ है जो मुनियों के आचार को बताता है, रैण सार ग्रंथ है जो श्रावकों की भी चर्या के लिए विषय में वर्णन करता है, और नियम सार हैं, प्रवचन सार हैं, अनेक ग्रंथ हैं, 10 भक्तियाँ हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, वो बहुत ही व्यवहारिक थे। उन्होंने तीर्थों की भी वंदना की, 10 भक्तियाँ आप उठा करके पढ़िए, कितना सुंदर वर्णन उन भक्तियों में कुंद कुंद आचार्य ने प्राकृत की भक्तियों में किया है। और उन्होंने जब समय सार ग्रंथ की रचना की तो उसका सार ये बताया कि जो संत, जो महामुनि मूलाचार को अपने हृदय में आत्मसात कर लेते हैं, उनके अंदर समय सार अपने आप साकार हो जाता है। तो सबसे पहले समय सार का अर्थ समझना है। समय मतलब आत्मा, समय मतलब टाइम नहीं है, समय मतलब आत्मा, और आत्मा के सार को समझना, वही सब कुछ संसार के अंदर है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस समय सार ग्रंथ के बारे में आपको ये जानना है कि समय सार को कुंद कुंद आचार्य ने प्राकृत गाथाओं में रचा और उन गाथाओं के ऊपर दो आचार्यों ने टीका लिखी। एक हुई आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी और दूसरे हैं श्री जय सेनाचार्य। आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी ने जो टीका लिखी वो थोड़ा कठिन है और आचार्य श्री जय सेन स्वामी की टीका बहुत ही सरल है। आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी ने 415 गाथाओं में 9 अधिकारों का वर्णन किया है और आचार्य श्री जय सेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में 444 गाथाएं दी हैं। तो ये आपको जानना है। अमृत चंद्र सूरी की टीका का नाम है आत्मख्याति टीका और श्री जय सेनाचार्य की टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति टीका। ये दोनों ही टीकाएं अपने आप में बहुत ही सुंदर हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इन दोनों टीकाओं को लेकर के ज्ञान ज्योति नाम की टीका लिखी है। आप अगर जम्बुदीप हस्तिनापुर से समय सार ग्रंथ मंगाएंगे, 2 भागों में है और उसमें अमृत चंद्र सूरी की टीका और तुरंत उसके बाद जय सेनाचार्य की टीका, इन दोनों को पढ़ करके आपके विचार पूरी तरह से एकदम
खुल जाएंगे कि कुंद कुंद आचार्य ने समय सार के अंदर कितना सुंदर वर्णन किया है। कहीं कहीं पर लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि आचार्य श्री अमृतचंद्र सूरी ने चूंकि गुणस्थानों का प्रकरण नहीं खोला है, जय सेनाचार्य ने सब जगह गुणस्थान को खोल करके और विषय को एकदम स्पष्ट कर दिया है, तो आपको इसे पढ़ना है। और समयसार के विषय में जाए, मैंने तो एक समयसार का विधान भी लिखा है। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने हमें प्रेरणा प्रदान की, कई भक्तों का आग्रह रहा कि समयसार का भी विधान लिखा जाए। तो लोग आज क्या समझते हैं कि समयसार पढ़ने वाले केवल मुमुक्षु लोग होते हैं। असली मुमुक्षु तो आपको जानना है कि संत हैं, जो संसार को छोड़ने की इच्छा करते हैं, उससे मुक्त होने की इच्छा करते हैं, मुमुक्षु तो वही कहलाते हैं। खुद मुमुक्षु बन गए, समयसार पढ़ने लग गए और मूलाचार का जीवन में पालन करने वाले संयमियों के प्रति यदि विद्वेष की भावना करने लग गए तो आपका समयसार पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा और वह शास्त्र आपके लिए शस्त्र के रूप में बन जाएगा। मैंने समयसार का जो विधान बनाया उसके अंतिम जयमाला में एक बात लिखी है, आत्मा का सार बताने वाला यह ग्रंथ हमारा, श्री कुंद कुंद स्वामी का अध्यात्म ग्रंथ यह प्यारा। अर्घ्य का थाल सजाया है, अर्घ्य का थाल सजाया है, समय सार की जयमाला का पूर्णार्घ्य बनाया है, अर्घ्य का थाल सजाया है। आप इस विधान को भी कीजिए और आत्मा के आनंद के साथ साथ आचार्य कुंद कुंद की दिव्य दृष्टि पर भी दृष्टिपात कीजिए आप। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस ग्रंथ का प्रारंभीकरण सिद्धों की वंदना के साथ किया है। वंदित सौ सिद्धे धुअमचल मणो वमं गईं पत्ते, ओच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुय केवली भणियम। केवली और श्रुत केवली के द्वारा प्रणीत इस समय सार ग्रंथ को कहने की जो प्रतिज्ञा की, तो समस्त सिद्ध भगवंतों को नमन करके, यानी कि जिन्होंने समय सार को अपने आत्मा के अंदर आत्मसात किया और अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके और स्वयं को सिद्ध बनाने के लिए और इसको पढ़ने वालों को भी सिद्ध बनने की प्रेरणा उन्होंने जो प्रदान की है वो बहुत ही सुंदर है। तो समय सार शास्त्र रहे शस्त्र ना बनने पाए, इसके लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस समय सार का सार नाम के प्रकरण में बताया कि गुणभद्र सूरी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, शास्त्राग्नौ मणिवत भव्यो विशुद्धो भाति निर्व्रतः, अंगारवत खलो दीप्तो मलिवा भस्मवा भवेत। इस शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य जीव मणि के समान शुद्ध होकर निर्वृत्त अर्थात कृतकृत्य होते हैं, किंतु जो खल होते हैं, दुर्जन होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अंगारे के समान जल करके काले कोयले जैसे हो जाते हैं अथवा राख बन जाते हैं। यानी सज्जन और दुर्जन संसार में दो तरह के हैं। जो सज्जन है उनकी गुणग्राहकता की ओर दृष्टि रहती है, तो वो मणि के समान एकदम विशुद्ध हो जाते हैं अग्नि में तप करके। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय सार पढ़ते समय ज्ञानमती माता जी का कहना है कि श्री जयसेनाचार्य की टीका को अवश्य ही उसको पढ़ना ही चाहिए, वरना दिग्भ्रमित हो जाते हैं। देखिए एक जगह लिखा उन्होंने कि अमृतचंद्र सूरी और जयसेनाचार्य दोनों का अभिप्राय क्या है। आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं कि श्री अमृतचंद्र सूरी की टीका के आधार से चतुर्थ गुण स्थान में निश्चय सम्यक्त्व, निश्चय चारित्र, शुद्धोपयोग आदि हो जाते हैं। ऐसा कह करके लोग श्रावकों को दिग्भ्रमित कर देते हैं, जिससे वो बेचारे आगे संयम में, देश चारित्र में आगे बढ़ ही नहीं पाते कि जब हमारे को चतुर्थ गुण स्थान में ही श्रावक अवस्था में ही
समय सार हमारी आत्मा में प्रकट हो रहा है तो आगे संयम को धारण करने की, अणुव्रतों को धारण करने की आवश्यकता क्या है। किंतु जयसेनाचार्य ये बात नहीं मानते हैं, वे सप्तम गुण स्थान से ही इनको घटित करते हैं। किनको? निश्चय सम्यक्त को, निश्चय चारित्र को, शुद्धोपयोग को। वास्तव में अमृत चंद्र सूरी के शब्दों से भी निश्चय सम्यक्त आदि चौथे गुण स्थान में असंभव है, लेकिन जो समझ नहीं पाते वो उसको ऐसे घटित कर लेते हैं। तो समझना है, जैसे आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने गाथा 12वीं की टीका में स्वयं लिखा है, ये खलु पर्यंत पाको तीर्ण जात्य कार्तस सरस्थानी परमम भावम अनुभवंती, यानी जो अंतिम ताव से शुद्ध हुए स्वर्ण के समान परम भाव का अनुभव करते हैं उनके लिए शुद्ध ने प्रयोजनी भूत है। प्रयोजनी भूत माने उनके लिए ही सार रूप है। किंतु जो एक दो आदि ताव के समान ऐसे अपरम भाव का अनुभव करते हैं उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनी भूत है। जैसे आज हम सब व्यवहार चारित्र का पालन कर रहे हैं, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ का फल इसी रूप में व्यवस्थित है। तो इन बातों को हमें जानना। अमृतचंद सूरी ने जगह जगह अपनी टीका के अंदर कलश काव्यों का प्रयोग किया है। उन कलश काव्यों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जब आप पढ़ेंगे तो उसके वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। समय सार के अधिकारी कौन हैं, इसके लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माताई ने समय सार की गाथा को भी निकाल करके कहा है। 12 नंबर की गाथा में मुनि, साधु, यति इन शब्दों को प्रयोग किया है कुंद कुंद आचार्य ने। जो आद भावणविणम निच्चुवजुत्तो मुनि समाचरदी सो सव दुख मोखम पावदी अचिरेण कालेण। अर्थात जो मुनि नित्य ही उद्यमशील होते हुए इस आत्मभावना को करते हैं वे थोड़े ही काल में संपूर्ण दुखों से छूट जाते हैं। ऐसे ही 19 नंबर की गाथा में भी आचार्य देव ने साहुणा शब्द का प्रयोग किया है। और जब आप समय सार की दोनों टीकाओं को एक साथ पढ़ेंगे, उन टीकाओं को करने के बाद ज्ञानमती माता जी ने सुंदर सुंदर विशेषार्थ दिए हैं, और उसमें भी अमृत चंद्र सूरी के अभिप्राय को और आचार्य श्री जय सेनाचार्य के अभिप्राय को बताया है। जैसे एक जगह आप लीजिएगा कि आचार्य अमृत चंद्र सूरी अपने समयसार कलश में बड़े मधुर शब्दों में कहते हैं कि किस तरह से इस जीव का चित्त अपनी आत्मा में लगा रहे। तो उन्होंने कहा, यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। यानी कि जहाँ पर जब आत्मा में लीन हो जाते ना साधु, तो उन्हें प्रतिक्रमण क्या है, सामायिक क्या है, ये कुछ भी भान नहीं रहता, यानी कि निर्विकल्प हो जाते हैं। फिर तो आत्मा ही उनके लिए प्रतिक्रमण है, आत्मा ही सामायिक है। लेकिन आज होता कहाँ है ऐसा? निर्विकल्प ध्यान हीन सहनन के द्वारा तो कभी भी होना ही नहीं है। तो लोग जब विषयों को समय सार को पढ़ते हैं प्रतिक्रमण करना छोड़ देते हैं, लेकिन अमृत चंद्र सूरी क्या कहते हैं, हे भाई, जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष कहा है वहाँ अप्रतिक्रमण यानी प्रतिक्रमण नहीं करना अमृत कैसे हो सकता है? ये तो चिंतन करने की बात है। इसलिए यह मनुष्य नीचे नीचे गिरता हुआ प्रमाद रूप क्यों होता है, निष्प्रमादी होकर ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं चढ़ता? ये हमने पढ़ लिया कि प्रतिक्रमण विष है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिक्रमण नहीं ही करना। जहाँ प्रतिक्रमण ही विष है तो प्रतिक्रमण नहीं करना अमृत कैसे हो सकता है? ऐसी अनेक बातों को आप पढ़िए। आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने 9 अधिकारों में वर्णन किया है और जयसेनाचार्य ने 10 अधिकारों में वर्णन किया है। और अंत में उन्होंने कहा है, दोनों आचार्यों ने कुंद कुंद आचार्य की गाथा को लेकर के, जो समय पाहुड़मिणम पड़िदूण अथ तच्चदोणाउम अथे नाही चेया सो होई उत्तमम सुखम। यानी जो चेतयिता, जो चेतना में रमण करने वाला आत्मा भव्य जीव इस समय प्रावृत को पढ़ करके अर्थ से और तत्व से समझकर इसके अर्थ में स्थिर होगा, वह उत्तम सुख स्वरूप हो जाएगा।
अर्थात उत्तम सुख को प्राप्त कर लेगा। तो अब आपको सार रूप में ये जानना है कि समय सार मुनियों का ग्रंथ है, श्रावकों का ग्रंथ नहीं है। श्रावक इसको पढ़ें लेकिन इसका दुरुपयोग ना करें, और अच्छी तरह से व्यवहार और निश्चय नयों के माध्यम से इस ग्रंथ का अध्ययन करें। मैंने एक सुंदर भजन को लिखा है, उसके माध्यम से इसका समापन करूंगी। मैं समय सार को निज आत्म में ध्याऊंगा, बन अंतरात्म शुद्धात्म भावना भाऊंगा, ये क्या